जय हिंद दोस्तों भाई, क्या हाल चाल आप सभी के। तो आपको तो पता है कि CMA फोन बन जो नथिंग का ही ब्रांड है, इनकी सब ब्रांड है, वो इंडिया के अंदर एक पहला न्यू फोन लॉन्च करने वाला है। और जो CMA है वो बजट के रेंज में फोन लॉन्च करता है, इनकी प्रोडक्ट को लॉन्च करता है, अब तो फोन भी लॉन्च कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो नथिंग है वो प्रीमियम सेगमेंट में खेलता है और प्रीमियम फोन निकालता है। अगर वहाँ पे वे लोग मिड रेंज में फोन निकालेंगे इनके बजट में तो नहीं चला, तो क्या फायदा। वो लोग उन्होंने प्रीमियम सेगमेंट यहाँ पे बना रखा, लेकिन जो CMA है वो आपको बजट रेंज के अंदर वैल्यू यहाँ पे ऐड करता है। यहाँ पे CMA फोन बन लॉन्च हो रहा है, इसकी प्राइसिंग आपको अंडर 20,000 रुपीज़ होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे चीज़ें बताऊंगा जो किसी ने बात नहीं करी है। सबसे पहले अगर आप इस फ़ोन को लेने के लिए सोच रहे हो, ले भी लिया आपने, तो मैं आपको बता दूं, लेने से पहले आप अपने एरिया के अंदर देख लो भी सर्विस सेंटर है नहीं है। अगर फ़ोन के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आपको भटकना पड़ेगा। नथिंग फोन 2A के अंदर ग्रीन लाइन इशू भी देखने को मिला था, तो वही डिस्प्ले आप यूज़ करी आ रही है। तो लेने से पहले मैं आपको बता दूं, जो CMA है इसका जो सर्विस सेंटर है वो अवेलेबल नहीं है, यानी कि अवेलेबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर नथिंग के अंदर ही जो आता है ना, इसका सब ब्रांड है, तो नथिंग का ही सर्विस सेंटर के अंदर आपको CMA के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो यहाँ पे रिपेयर होते हैं, रिप्लेसमेंट होते हैं। तो अगर आपको सर्विस सेंटर चाहिए तो नथिंग के ही अंदर आपको यहाँ पे रिपेयर कराना होगा, क्योंकि नथिंग का ही सब ब्रांड है इसीलिए। लेकिन आपको देखना है कि नथिंग का जो सर्विस सेंटर आपके एरिया के अंदर आपके लोकेशन पे है या फिर नहीं है, है कितनी दूर है वो आपको पता लगाना है। अगर आपने एक बार फ़ोन ले लिया, 1 ईयर की वारंटी मिली, अगर 1 ईयर के अंदर आपको फ़ोन के अंदर कुछ भी दिक्कत आती है तो आपको भाई रिपेयर या फिर इनकी सर्विस तो लेनी पड़ेगी, तभी जाकर आपका फ़ोन ठीक होगा। अगर आपके एरिया के अंदर सर्विस सेंटर नहीं है फिर आपको भाई भटकना ही पड़ेगा और क्या। इसीलिए मैं आपको चाहता हूँ कि आप अपने एरिया के अंदर सर्विस सेंटर देखें, तब जाकर इस फ़ोन को बाय करें। और हो सकता है अगर बाय भी कर लो तो मेरा क्या जाता है भाई, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताना था मैंने आपको बता दिया। आफ्टर सेल सर्विस का आपको ध्यान रखना, सर्विस सेंटर आपके लोकेशन में है नहीं है, कितनी दूर है वो आपको देखना होगा, ठीक है। सेकेंड जो चीज़ है, भाई काफ़ी सारे लोग इस फ़ोन को नेगेटिव ले रहे हैं, क्योंकि इस फ़ोन के जो चिपसेट मिल जाता है डोमेसिटी के 7300। पहली बात तो इस चिपसेट का नाम 7300 होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नथिंग फोन 2A 7200 के साथ 25,000 रुपये में आया था। जो फोन 20,000 रुपीज़ में डेमेंसिटी 7300 के साथ आ रहा है, तो कुछ लोग सोच रहे हैं कि 20,000 रुपीज़ में नथिंग फोन 2A से पावरफुल चिपसेट मिल रहा है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर नथिंग फोन 2A से कम परफॉर्मेंस लाकर देगा। इसका चिपसेट का नाम 7100 होता तो मेरे हिसाब से बेटर होता। और CMA वाले कह रहे हैं कि हमारा चिपसेट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन 7200 से कंपेयर करके दिखाओ तब मैं मानूं। लेकिन यहाँ पर आप से लोग देख सकते हैं, इसका जो आर्किटेक्चर है ऑक्टोकोर प्रोसेसर है, 4 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन में बना हुआ है। इसके अंदर भी 4 कोर परफॉर्मेंस के मिल जाते हैं, लेकिन 2.5 GHz पे। लेकिन डेमेंसिटी 7200 के अंदर आपको 2 कोर परफॉर्मेंस वाले देखने मिल जाते हैं, 2.8 GHz पे क्लॉक है, तो क्लॉक स्पीड बेटर मिल जाती है, इसलिए यहाँ पर जो चिपसेट है थोड़ा सा पावरफुल है। ऊपर से इसका जो GPU है वो 7300 से बेटर आपको मिल जाता है 7200 के अंदर, तो ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस आपको 7200 के अंदर बेटर देखने मिल जाती है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि इस चिपसेट के नाम 7300 नहीं होता, 7100 होता तो मेरे सबसे बेटर होता। काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हैं भाई, 7300 7200 से बेटर चिपसेट है, लेकिन ऐसा नहीं है। 7100 के नाम से आता तो मेरे हिसाब से बेटर होता, क्योंकि 7200 से कम परफॉर्मेंस आपको 7300 के अंदर देखने मिलेगी। मैंने हो सका आप सभी को अच्छे से एक्सप्लेन करा होगा, लेकिन नहीं समझ में आया तो मैं इतना बता दूं, 7200 ज़्यादा बेटर चिपसेट है, उसके जस्ट नीचे आता है 7300। नेमिंग इन्होंने गलत करी है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी इसे कहते हैं, ताकि मार्केट के अंदर यहाँ पे कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो, ठीक है। लेकिन तो भाई परफॉर्मेंस वगैरह आपको 20,000 रुपीज़ के अंदर देखूँ तो अच्छी चिपसेट है, मैं कहूँ तो 7200 मिल जाता है, जैसे IQ G9 और Vivo के T3 के अंदर। लेकिन वो स्पेशली परफॉर्मेंस को ही ज़्यादातर टारगेट करते हैं, लेकिन CMA फोन बन कुछ इतना कुछ पीछे बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर भी आपको परफॉर्मेंस वगैरह आपको अच्छी मिलेगी, इतना मत सोचो, परफॉर्मेंस वगैरह आपको सॉलिड मिलेगी इस फोन के अंदर। और ऊपर से यहाँ पे जो डिज़ाइन दे दिया है इन्होंने वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो इस फोन को थोड़ा सा यूनिकनेस यहाँ पे बनाता है अंडर 20,000 रुपीज़ के प्राइसिंग में। अगर यहाँ पे प्राइसिंग भाई अच्छी सेट करी यहाँ पे CMA वालों ने, भाई तगड़ा स्मार्टफोन हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसके प्राइसिंग को देखते हुए, देखते हैं भाई प्राइसिंग क्या होती है। अगर जो स्मार्टफोन 16-17 के प्राइसिंग में आता है अफेक्टेड प्राइसिंग के साथ, अच्छा एंड तगड़ा स्मार्टफोन हो सकता है। वैसे मैं अगर यहाँ पे कैमराज के बारे में बात करूँ तो 50 MP का मेन सेंसर होगा, OIS होगा नहीं होगा इसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने कुछ टीज वगैरह नहीं करा। OIS हो सकता है आपको यहाँ पे देखने को ना मिले, लेकिन यहाँ पे आपको 2 MP का मैक्रो या फिर डेप्थ सेंसर हो सकता है। यहाँ पे कोई अल्ट्रा वाइड लेंस नहीं होगा, कन्फर्म है
क्योंकि लेंस को देखते ही नहीं पता लग रहा है कि यहाँ पर मैक्रो लेंस हो सकता है, क्योंकि अल्ट्रा वाइड लेंस कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है जो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो एक मैक्रो लेंस हो सकता है। एंड 16 मेगापिक्सल की सेल्फी होने वाली है 4K 30fps में रियर में, और फ्रंट में 1080p 30fps में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। फोटोज़ वगैरह अच्छी होंगी क्योंकि नथिंग की UI मिलती है इस फ़ोन के अंदर, CMF फोन 1 के अंदर। तो यहाँ पर जो कमी रह चुकी थी ना, नथिंग फ़ोन 2A को लॉन्च हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, जो भी प्रॉब्लम थी नथिंग फ़ोन 2A के अंदर फिक्स होकर वही UI उठाकर यहाँ पे CMF फोन 1 के अंदर यहाँ पर डाल दी जाएगी। और जो ऑप्टिमाइजेशन करनी थी वो नथिंग फ़ोन 2A के अंदर ऑलरेडी हो चुकी है। तो कैमराज के अंदर आपको अच्छा सेटअप यानी कि अच्छा एंड काफ़ी बेटर फोटोज़ वगैरह आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। 20,000 rupees के आसपास भी अच्छी फोटोज़ आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, नो डाउट, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वैसे UI से मुझे याद आया ये फ़ोन एंड्रॉयड 14 के साथ, इनका नथिंग OS के साथ आएगा, एंड 2 ईयर के सॉफ्टवेयर अपडेट एंड 3 ईयर के सॉफ्टवेयर पैच देखने मिलेंगे, ठीक है, सिक्योरिटी पैच मिल देखने मिलेंगे। तो मैं बताऊँ यहाँ पे जो डिस्प्ले होने वाली है 6.67 इंच की फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले होगी, 120Hz का रिफ्रेश रेट, HDR10 प्लस, 2000Hz की पीक ब्राइटनेस होगी, सिमेट्रिकल बेजल्स मिलेंगे, डिस्प्ले वगैरह आपको अच्छा देखने मिलेगा, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी वैसे। एंड यहाँ पे बात करें बैटरी के बारे में तो 5000mAh बड़ी बैटरी, 33W की चार्जिंग होगी, इन द बॉक्स चार्जर नहीं देंगे क्योंकि जो लोग अलग से एसेसरीज बेचते हैं इसलिए बॉक्स के अंदर कोई चार्जर नहीं मिलेगा, ताकि इनका अलग से जो चार्जर आता है ना 65W का बहुत ज़्यादा बिके, ठीक है, तो ठीक है, मार्केट स्ट्रेटजी यहाँ पर भी हो रही है। लेकिन भाई ये कुछ ओवरऑल स्पेक्स होने वाले हैं जो मैंने हो सका आपको समझाने की पूरी कोशिश करी होगी, लेकिन आप क्या सोचते हो CMF फोन 1 के बारे में, आप क्या सोचते हो इसके प्राइसिंग को लेकर, इंडिया के अंदर किस प्राइस में लॉन्च होगा, आप क्या सोचते हो, सब कुछ कॉमेंट सेक्शन खुला है उसमें बता सकते हैं। और यहाँ भी वीडियो खत्म आती है, लाइक सब्सक्राइब कर देना बिल्कुल फ्री होता, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।